हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदिशा ठाजे। आई एम लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME3O2 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का टॉपिक नंबर 2.2 ब्रोचिंग मशीन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रोचेस। सो हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रोचेस। Brooches are classified on the basis of type of action, on the basis of process, on the basis of structure and on the basis of work. तो अब हम वन बाय वन की स्टडी करेंगे। On the basis of type of action में first आता है push brooch। Push brooch जिसे बोलते हैं हिंदी में विकर्षण brooch। यह brooch समान अनुप्रस्थ काट वाले पुल ब्रोच की अपेक्षा कम लंबाई के होते हैं, यानी कि पुल ब्रोच की लंबाई पुश ब्रोच की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। पुश ब्रोच अपनी लंबाई के कारण पर्याप्त कड़ापन तथा बंकन के प्रति समुचित प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इनका उपयोग सामान्यतया कम लंबाई वाले कार्यखंडों पर अपेक्षाकृत कम धातु काटने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सेकंड है पुल ब्रोच, जिसे बोलते हैं कर्षण ब्रोच। ये ब्रोच पतली और अपेक्षाकृत अधिक लंबाई के होते हैं, यानी कि पुश ब्रोच से थोड़े बड़े होते हैं पुल ब्रोच। इनका उपयोग अधिक लंबाई वाले ऐसे कार्यखंड पर करते हैं जिन पर से पर्याप्त मात्रा में धातु को काटना होता है। ठीक है, तो पुश ब्रोच को कम धातु काटने के लिए यूज़ किया जाता है और पुल ब्रोच को पर्याप्त मात्रा में धातु को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। पुल ब्रोच सामान्यतः वांछित आकार तथा साइज के छिद्र निर्मित करने में यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है स्टेशनरी ब्रोच, जिसे बोलते हैं अचर ब्रोच। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, अचर यानी कि चलते नहीं हैं ये। तो इस टाइप के जो ब्रोचेस होते हैं वो कटिंग प्रोसेस के टाइम पर ये स्थिर अवस्था में रहते हैं और मशीनित की जाने वाली सतह या छिद्र को स्टेशनरी ब्रोच पर लगाकर इनकी ब्रोचन क्रिया की जाती है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ब्रोचेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट आर इंटरनल ब्रोच एंड एक्सटर्नल ब्रोच। इंटरनल ब्रोच, जिसे बोलते हैं आंतरिक ब्रोच, ये ब्रोच सामान्यतः ठोस संरचना वाले होते हैं। इनका उपयोग वांछित आकार और साइज के आंतरिक खांचे कीवेज छिद्र बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल ब्रोच, जिसे बोलते हैं बाह्य ब्रोच। बाह्य ब्रोच सामान्यतः बिल्टअप प्रकार के होते हैं, इन्हें सतह ब्रोच भी कहा जाता है। इनका यूज़ बाह्य सतह पर ब्रोचन करने में इसका यूज़ होता है और इस टाइप के जो एक्सटर्नल ब्रोच होते हैं उनकी जो टीथ होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। बाह्य ब्रोच के कुछ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं जिनमें दांतों के परिवर्तनीय सेक्शन होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। थर्ड इज द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है सॉलिड ब्रोच। सॉलिड ब्रोच यानी कि ठोस ब्रोच। एक खंडीय ब्रोच को ही ठोस ब्रोच के नाम से जाना जाता है। इसका उत्पादन एक रोड से किया जाता है। सॉलिड ब्रोच की वैमायित यथार्थता तथा संकेंद्रता कोशीय ब्रोचों की अपेक्षा अधिक होती है। सॉलिड ब्रोच का सबसे बड़ा दोष ये है कि इनकी जो टीथ हैं अगर वो घिस जाए या टूट जाए तो उनकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए अगर सॉलिड ब्रोच के अगर कोई टूथ टूट गया है तो उस केस में पूरा का पूरा ब्रोच बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर एक टूथ टूट गया तो इसको फिर से हम ग्राइंड करके इसको ठीक कर दें, नहीं होता। इसमें पूरा ब्रोच चेंज करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी लागत होती है उसमें ज़्यादा लागत हो जाती है, तो ये थोड़ा खर्चीला होता है। सेकेंड है इंसर्टेड टूथ ब्रोच।
इंसर्टेड टूथब्रश जिसे बोलते हैं निविष्ट दांत ब्रश। सो इंसर्टेड टूथब्रश का यूज़ होता है जो विशाल चपटे सरफेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सरफेसेस होते हैं उनका ब्रशिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। इस टाइप के जो ब्रश होते हैं उसमें टूल होल्डर होता है, ठीक है, और हाई स्पीड स्टील या फिर कार्बाइड इंसर्ट्स को उस प्रकार की औजार धारक में ब्रेजिंग किया जाता है, जिस प्रकार की एक खराद औजार में ब्रेजित किया जाता है। कर्तन क्रिया कार्बाइड निविष्टों द्वारा ही, यानी कि कार्बाइड इंसर्टेड द्वारा ही संपन्न होती है। सरफेस ब्रशेस को सामान्यतः इंसर्टेड टूथब्रश टाइप का बनाया जाता है। थर्ड है ओवरलैपिंग ब्रश जिसे बोलते हैं अतिव्यापी ब्रश। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ब्रश है। इसके जो टीथ होते हैं वो ओवरलैपिंग पोजीशन में होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक टीथ होता है, ठीक है। तो ये क्या एक अच्छी यथार्थ परिष्कृति यानी कि एक अच्छी सरफेस फिनिश देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है प्रोग्रेसिव कट ब्रश जिसे बोलते हैं प्रगामी काट ब्रश, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ब्रश होते हैं इसमें दांतों की ऊंचाई तो सेम रहती है लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। प्रोग्रेसिव कट ब्रश के अंतर्गत ब्रश का हर एक टूथ कार्यखंड पृष्ठ के एक ही हिस्से से धातु को मोटी परत के रूप में अलग करता है। इस ब्रश के जो लास्ट टीथ जो होते हैं अंतिम दांत वो वर्कपीस सरफेस की पूरी परिच्छेदिका से ऑर्डिनरी कट ब्रशिंग की भांति ही एक पतली परत निकालते हैं। फिफ्थ है रोटर कट ब्रश। रोटर कट ब्रश एक ऐसा ब्रश है जिसका यूज फोर्जिंग एवं कास्टेड वस्तुओं के लिए छिद्र बनाने से अधिक मात्रा में धातु पृथक करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर प्राइमरी कटिंग ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता वहाँ पर रोटर कटर ब्रश का यूज़ किया जाता है। रोटर कटर ब्रश के दांत जो परिधि होती है उस पर विभिन्न परिच्छेदों में स्टेगर्ड स्थिति में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है जो वर्कपीस है उसका शीयर होता है और चिप निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। ढलाई से निर्मित गोल छिद्र को वर्गाकार बनाने हेतु यह ब्रश एक आदर्श टूल माना जाता है, ठीक है। तो अगर किसी गोल छिद्र को हमें वर्गाकार बनाना है, ठीक है, तो इस टाइप के ब्रश का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क जिसमें फर्स्ट है राउंड ब्रश, ठीक है। राउंड ब्रश यानी कि गोल ब्रश ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्रश है। इसका यूज़ इंटरनल ब्रचिंग में किया जाता है। सेकंड है हेलिकल कट ब्रश जिसे बोलते हैं कुंडलिनी काट ब्रश, ठीक है। इसका यूज़ जो डीप होल्स बनाने होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट स्प्लाइन ब्रश यानी कि सीधे स्प्लाइन ब्रश, ठीक है। इस जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है जो सीधा स्प्लाइन जो हमें बनाना होता है उसमें स्ट्रेट लाइन ब्रश का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है एंगुलर स्प्लाइन ब्रश यानी कि कोणीय स्प्लाइन ब्रश। तो जब कोणीय स्प्लाइन बनाना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है सेरेशन स्प्लाइन ब्रश। सेरेशन यानी कि दरदरा, ठीक है। तो दरदरे स्प्लाइन के लिए सेरेशन स्प्लाइन ब्रश का यूज़ किया जाता है। बर्निशिंग ब्रश, ठीक है। इस ब्रश के जो दांत होते हैं वो शार्प नहीं होते बल्कि बर्निशिंग दांत कुछ गोल आकृति के बनाए जाते हैं जिससे वे कटिंग तो नहीं करते लेकिन जो धातु की सतह है उसको दबाते और रगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी हो जाती है। बर्निशिंग ब्रश का यूज़ स्टील कास्ट आयरन और
नॉन फेरस मेटल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो छिद्र होते हैं उन्हें फिनिश या फिर ग्लेज्ड करने के लिए बर्निशिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। बर्निशिंग के दौरान धातु की बहुत कम मात्रा रिमूव होती है, इसलिए बर्निशिंग के लिए एक स्टॉक पर इन दी फर्स्ट स्टॉक 0.025 mm से अधिक मात्रा में जो मेटल है वो रिमूव नहीं होता। सेवन्थ है कीवे ब्रॉच, जिसे बोलते हैं चाबी मार्क ब्रॉच। तो चाबी मार्क ब्रॉच का यूज़ पूर्व मशीनित छिद्र में विभिन्न आकृतियों की चाबी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट है कॉम्बिनेशन ब्रॉच, जिसे बोलते हैं संयुक्त ब्रॉच। संयुक्त ब्रॉच का यूज़ स्प्लाइन छिद्र के विभिन्न सतहों का एक ही आघात में मशीनिंग करने के लिए करते हैं। इन ब्रॉचेस के द्वारा एक ही आघात में एक साथ दो अलग अलग क्रियाएं की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई छिद्र है, ठीक है, उसका बर्निशिंग करना तथा उस छिद्र का स्प्लाइन काटना, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन ब्रॉच में एक साथ हो जाती हैं। कॉम्बिनेशन ब्रॉच का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो गोल दांत काटता है, ठीक है, और दूसरे भाग पर स्प्लाइन काटने के लिए स्प्लाइन की आकृति के दांत बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ब्रॉच में एक ही आघात में एक ही स्ट्रोक में दो अलग अलग क्रियाएं करने में ये सक्षम होता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ब्रॉचेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रॉम द टाइप्स ऑफ ब्रॉचेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।